बीते रोज छतरपुर के सटई थाना क्षेत्र में हुई युवक हत्या के बाद मंगलवार को परिजनों ने सड़क पर जाम लगाकर आरोपी के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। परिजनों का कहना था कि पुलिस आरोपियों पर सख्ती नहीं कर रही है। उल्लेखनीय है कि सोमवार की शाम करीब 5 बजे सटई निवासी इस्ताक खान को उसके ही जीजा अबरार अली निवासी छतरपुर ने सटई के बस स्टैंड पर गोली मार दी थी और अस्पताल पहुंचने से पहले इस्ताक की मौत हो गई। मंगलवार को सुबह से परिजनों ने मुख्य मार्ग पर चक्का जाम कर दिया, जिसकी जानकारी लगते ही पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। परिजनों का कहना था कि उनके द्वारा आरोपी के संबंध में 6 फरवरी को की गई शिकायत पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की थी, जिस कारण से आरोपियों ने घटना को अंजाम दिया है। परिजनों ने बिलखते हुए यह भी आरोप लगाया कि थाने में पुलिस द्वारा आरोपियों के साथ सख्ती नहीं बरती जा रही। आरोपियों के लिए खाने और बिस्तर तक की व्यवस्था थाने में कराई गई है। बोले तुम हमारे यहाँ शादी में नहीं आए, तुमको उन लोगों ने फोन लगाया तो शादी में नहीं आए। हमें भाई हमारे पास किसी ने फोन नहीं लगाया, हमारी बहू की तबीयत खराब थी तो घर के लोग दिखाने के लिए गए, हम लोग नहीं आए। बोले इन लोगों ने शादी में अली ने और मुश्ताक ने बहुत हंगामा किया है, ये लोग हमारी निगाह में चढ़ गए हैं, इन लोगों को जान से ख़त्म करना है, 5-6 दिन में इन लोगों को ख़त्म करना है। उसके बाद हमने उनको समझाया, मैं भाई साहब ऐसा है कि घर का यह मसला है, घर की लड़ाई है, बहुत भतीजे है, डांट दूँ समझा दूँ, ऐसा नहीं होता। अरे बोले हो गए भतीजे, कुछ नहीं होता। ने आजाद हन की हम पूरी रिपोर्ट लिखवाई थी 6 तारीख खजी और शब्द ने आजाद मुन्ना मुख्तियार शहजाद मोनू और अबरार और बिट्टू जो है सब जने मार भी खड़े हो गए थे हमें 6 तारीख रात के 11 बजे। हम खाने गए, टीआई साहब चले गए कमरा पे, चक्कू भी मारी है मोहल्ला में, आजाद ने छोड़ा कर रख ली, कट्टा ले थी एक भैया, वो मुन्ना ने छोड़ा, मुन्ना साई ने छोड़ा, हम खाने आए, सोहेल हदे थे पुलिस वाले, उनसे रिपोर्ट लिखवाई तो उनने हमारी रिपोर्ट नहीं लाई गई, उनने आवेदन लिख के दे दो। हमने कहा भैया बेटाई हेंगे सटाई में उनके ते आजाद हरे पा रहे हैं उनका, बोले नहीं वो दारू पिए, दारू पी कर हम नहीं उसको उठाएंगे, आवेदन भर लिख के दे दो। बोले आवेदन ले लो, आवेदन जो है आवेदन हमारे पास 6 तारीख आवेदन 6 तारीख जी है।